नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो अब वो समय आ गया है जब सरकार ने कौन कौन से काम किए उनकी उपलब्धियों को देखने का समय आ चुका है। आज हम निकले पीसीसी के दफ्तर की तरफ, जहां पर हमने जानना चाहा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कि कांग्रेस के ऐसे कौन से 5 बड़े काम या फिर आप उपलब्धियां कह लीजिए जिनके दम पर कांग्रेस सरकार रिपीट होने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो चलिए जानते हैं उन्हीं की राय, उन्हीं की जुबानी। अब की बार कांग्रेस ने जननायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो गारंटी योजनाएं चालू की है, और गारंटी योजना ही चालू नहीं की है चेतना, देश में पहला राज्य राजस्थान जहां पर अशोक गहलोत ने अपने कर्मचारियों को अपना भाई मान करके, अपना बेटा मान करके, हमने उसको पेंशन की योजना दी जो 2004 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में पेंशन योजना बंद कर दी थी। अशोक गहलोत ने कहा तुम्हारा 60 साल के बाद मैं हूँ माई बाप, मैं दूंगा तुमको पेंशन, बुढ़ापे में कौन सहारा बन रहा। अशोक गहलोत पहली बार देश में पहला राज्य जिसने ओपीएस लागू करी, राज्य का पहला, देश का पहला राज्य जहां हमने कहा गारंटी है 25 लाख रुपए तक का हम इलाज फ्री करेंगे, राइट टू हेल्थ का बिल लाने वाला राजस्थान पहला राज्य। बहुत सारी बातें हैं, देश में वाहवाही लूट रहे थे 8 करोड़ महिलाओं को। उज्ज्वला योजना के अंदर आपने कहा था कि हम फ्री में योजना में बांट रहे हैं, लेकिन क्या हुआ उसका? 400 रुपये का सिलेंडर जब 1150 का हुआ, चेतना तुम तो एक महिला वर्ग की हो, उन महिलाओं से पूछो जिनको आपने फ्री में तो दे दिया, आंखों में आंसू आते हैं भाई और बहनों, आंखों के अंदर लकड़ी जलाते हैं तो आंखें खराब हो जाती है। आपने वाहवाही तो लूट ली, जब 1150 का सिलेंडर आपने 400 का 1150 किया तो उन सिलेंडरों पर महिलाओं ने अपने कपड़े सुखाना शुरू कर दिए, वहाँ लकड़ी की गांठें लगाना शुरू कर दिया। फिर जननायक अशोक गहलोत आता है कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, मैं 500 रुपये में आपको सिलेंडर मुहैया कराऊंगा, अपने घर पे तुम खाना गैस से बनाना, सब्सिडी दे रहे हैं अशोक गहलोत। हमने DBT के माध्यम से अपने 1000 करोड़ रुपये अभी हमने महिलाओं के खाते में हमने डाला। ये देश का वो राज्य है जहां हम गारंटी से कह रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं कि शासन कांग्रेस का आने वाला है, अशोक गहलोत की वो नीतियाँ, 10 लाख रुपये का परिवार का बीमा कम बात नहीं है, हम 1000 रुपये महीना उस सीनियर सिटीजन को, महिलाओं को दे रहे हैं जिनका परिवार में कोई साधन नहीं और उसमें कोई वर्ग नहीं है, कोई इनकम टैक्स का नहीं है, हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पेंशन योजना दे रहे हैं, 5 लाख 5 रुपये में हमें सिलेंडर दे रहे हैं, 25 लाख की हमने चिकित्सा की योजना बनाई। जो परिवार राशन का सामान ले रहा है उसके लिए भी अशोक गहलोत फिर आंखें पहुंचता है, वो कह रहे हैं कि आपको गेहूं तो मिल जाते हैं या चावल मिल जाते हैं, लेकिन आपको तेल भी दूंगा, आपको नमक भी दूंगा, मिर्च भी दूंगा, मसाला भी दूंगा, आपको चावल भी दूंगा, और जो राशन से सामान लेते हैं हम अगले महीने से उनको जुलाई के महीने से 400 रुपये का किट दे रहे हैं। ये सारी बातें इसलिए कि हम गारंटी ले रहे हैं कि जी जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के शासन में बढ़ाई उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24/7 इस प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं। जहाँ तक बात करें योजनाओं को गिराना, अब बूते की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने OPS की है, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने दी है प्रदेश में। ओल्ड स्कीम देने के बाद पूरे देश की सरकारें, अन्य सरकारें भी इस बारे में विचार कर रही हैं। क्यों? कि आपने देखा कि जब भी हमने OPS का फायदा, जब हिमाचल में चुनाव हुए तो हमारी सरकार बनी, कर्नाटक में चुनाव हुए वहाँ OPS लागू हुई, हमें सरकार बनी। आप देखिए कि OPS एक बहुत बड़ा परिवार को एक सहारा है, और इसमें मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं और जो वित्तीय बात हैं उसका परिवार को सहयोग मिलता है, उससे परिवार को समृद्धि मिलती है। पुराने समय में जब आदमी बुढ़ापे की ओर जाता है तो उनका परिवार सुरक्षित और सहज महसूस करे, ये OPS में प्रावधान है, और राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पे इस पर हमने लागू किया। उसके साथ पूरे अन्य राज्यों में भी इस पर चर्चा हो रही है, और पूरे देश में मेरा मानना है कि चुनाव से पहले पहले अन्य प्रदेश भी इसे लागू करेंगे। उसके साथ साथ अभी स्वास्थ्य का अधिकार दिया सरकार ने, स्वास्थ्य का बेसिक अधिकार राजस्थान सरकार ने दिया, पहली सरकार हमारी है दिया है। स्वास्थ्य मूलभूत जरूरत है,
आज परिवार में जितनी इनकी आमदनी होती है उसका आधे से अधिक हिस्सा परिवार के स्वास्थ्य के सुधार में चुनाव खर्च होता है। तो मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत जी की मुख्य उपलब्धियों में ओपीएस के साथ साथ ये हमारा स्वास्थ्य का जो अधिकार दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ देखिए ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान जो प्रदेश का पिछड़ा हुआ हिस्सा है उस पर जो विकास की बात हो रही है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारा जीएसटी का पैसा सरकार नहीं दे रही है। जितनी भी देश में विपक्षी सरकारें हैं भाजपा की उनके जो जीएसटी का कलेक्शन है वो तो समय से लेते हैं लेकिन उसका जो निराकरण है और जो उनका पैसा आना चाहिए वो समय से नहीं आ रहा है। तो आप एक बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार उन सरकारों से कर रहे हैं। अब आप देखिए मणिपुर की बात मैं करता हूँ आपसे। मणिपुर में सरकार राज्य सरकार भी भाजपा की है, केंद्र सरकार भी भाजपा की है, डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। सबसे बुरा हाल यह 50 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका चले गए। अमेरिका में देश का उन्होंने नाम बदनाम कर दिया, जिस तरह से उन्होंने बयापति है लोकतंत्र की बात की और यहाँ आकर हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति की। तो मेरा मानना यह है कि लोग अब समझने लगे हैं 10 साल के इस पीरियड में कांग्रेस अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपनी मूलभूत नीति रीति पर काम कर रही है और अब लोगों का मानना है कि देश का कल्याण कांग्रेस ही कर सकती है, सच्चाई की लड़ाई कांग्रेस ही लड़ सकती है और राहुल जी और खड़गे जी नेतृत्व में अब हम आने वाले चुनावों में एक भूतपूर्व सफलता हासिल करेंगे और देश का परिदृश्य राजनीतिक चुनावों के बाद बदलने जा रहा है और कांग्रेस एक मजबूती के साथ आपको दिखाई देगी। देखिए वैश्विक महामारी के समय जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जनता की सेवा की, कोई भूखा ना सोए इस नारे के साथ में जब 2 साल तक कोई काम धंधा रोजगार नहीं था, किसी व्यक्ति को हमने भूखा नहीं सोने दिया। हमारी सरकार ने गहलोत साहब की जो नीतियां थी उससे लड़ाई लड़ी, कोरोना से बचाव किया, लोगों को बचाया, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई। इसके अलावा जब ये महामारी से बाहर निकले इसके बावजूद हमने इस महामारी के रहते भी और बाद में भी 3.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों का हमने ये कहना चाहिए उनको भर्ती का निकाला। 2 लाख करीब भर्ती हो चुके हैं, 1.5 लाख लोगों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जो अभी पूर्ण होने वाली है। इसके अलावा चिकित्सा के लिए हम क्षेत्र में हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लाए, 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त है, 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा उसमें मिला है, 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त है, 2000 यूनिट किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावा उड़ान योजना है जिसमें महिलाओं के लिए हमने किया, 500 रुपये में गैस सिलेंडर है यहाँ पे गरीब महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो ये सारी जो योजना है आप युवाओं के लिए अगर देखेंगे तो युवाओं के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना है जिसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कोचिंग की उनके लिए मुफ्त है, फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार कर रही है। विदेश पढ़ने जा रहे हैं बच्चे उनके लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस है। इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के आधार पर निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी और ओपीएस का जो निर्णय लिया ओल्ड पेंशन स्कीम का उसने पूरे देश में एक नज़ीर पेश की है और आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा कि ओपीएस का वो विरोध कर रहे थे, आज वो जनता के भी जा कर के बोलने लायक नहीं रहे क्योंकि ये कर्मचारी जो हैं राज्य कर्मचारी हमारे वो आज इतने प्रसन्न हैं, उनको पता है उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है। तो ये जो तमाम योजनाएँ यहाँ पर लागू हुई हैं इनके आधार पर पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो 24 घंटे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने जो राहत शिविर लगाए हैं खुद राजस्थान के प्रत्येक शिविर में जा रहे हैं, राजस्थान की जनता को लाभ देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों के घर तक ढाणी तक अपने प्रशासन को लेकर जा रहे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर जो दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है मैडम। 25 लाख रुपये का बीमा किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के सीईओ को और एमडी को भी नहीं मिलता है। तो 25 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, 8 रुपए में इंदिरा गांधी भोजन दे रहे हैं, अनुकृति योजना के तहत छात्र छात्राओं को लाभ दे रहे हैं, 40,000 रुपये पशु बीमा दे रहे हैं, कोविड में जिन बच्चों के जो बच्चे अनाथ हो गए उनके बच्चों को सरकारी नौकरी का देने का प्रावधान किया। योजनाएं बहुत सारी है राजस्थान की सरकार, बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है और राजस्थान की जनता को लाभ देने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है। कोविड का जो सुप्रबंधन हुआ पूरी दुनिया ने, भारत के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की। योजनाएं बहुत सारी है, निश्चिंत रहें। राजस्थान की जनता की हमने सेवक के रूप में सेवा की थी, राजस्थान की कल भी हम सेवा करते थे, आज भी सेवा करते हैं और 2023 में रिपीट करके हम राजस्थान की जनता की फिर बेहतर तरीके से सेवा करेंगे। देखिए जी 4.5 साल में सरकार तो अपने स्तर पर अच्छा चली है, गरीब को गणेश मान करके अशोक गहलोत जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो,
आप युवाओं के लिए है, हेल्थ के लिए है, एजुकेशन के लिए है, तो जितनी भी अच्छी अन्नपूर्णा योजना है, अन्न सुरक्षा योजनाएँ हैं, हेल्थ का अधिकार है, और ये जितना चलाया है चिरंजीवी योजना है, कितनी योजनाएँ अशोक जी ने बार बार कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। 19 ज़िले बनाए हैं, मुझे लगता है कि और लोगों को भी संतुष्ट करने के लिए और भी ज़िला बन सकते हैं। तो अशोक जी ने इस बार जितने काम किए हैं, शायद इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसे काम नहीं किए। गरीब को गणेश मान करके जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत भी खुद भी व्यक्तिवाद तौर पर उनकी अगर चर्चा की जाए तो गांधीवादी नेता है। उन्होंने राजनीति का 40 साल का सफ़र तय किया है, लगा जोधपुर से लेकर के दिल्ली तक। तो मैं समझता हूँ अशोक जी अपने आप में परपक्व मेजर लीडर है। तो ये थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राय। उनका मानना है कि ओपीएस के दम पर, चिकित्सा चिरंजीवी योजना के दम पर, और ऐसी ही कई सारी योजनाएं हैं जो सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के लिए तोहफे में लेकर आए, और इन सब उपलब्धियों के दम पर कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा उन्होंने किया। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कॉमेंट करिएगा ज़रूर, अपनी राय रखिएगा ज़रूर। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की, अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का। याद रखिए नाम।